गाइस मैं गई थी बाहर मिक्सी बनवाने और ये मिक्सी का जार तो बजाओ पता है ये 50 रुपए लिए हैं। पिछली बार मैंने बनवाया था तो 20 रुपए, इसमें 50 रुपए लिए हैं। तो ये पत्ती टूट गया था तो पत्ती बनवा के लाए हैं। और गाइस मैंने बाबू के लिए आज बहुत सारे खिलौने लाए हैं क्योंकि मैंने सुना है इससे बच्चे का जो है ना माइंड तेज होता है। ये जोड़ने वाला है ना, ये जोड़ने वाला खिलौना है। और यहाँ पे देख सकते हैं रोबोट बना सकते हैं और बहुत सारा कुछ है इसमें रोबोट वगैरह है, ट्रेन बना सकते हैं। और तो कैसे खेल रही है यहाँ पे मैंने बाबू के लिए ये भी लाया है, ये इसको क्या बोल रहे हैं, पियानो लाया बाबू हमारे, पियानो बजा रही है। देखो पापा करना यहाँ पे देखिए, अरे वाह। और गाइस पता है ये बेडशीट थोड़ा सा मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे धोना था, बाबू उस पर कुछ गिरा दी थी। तो हम सबसे पहले रूम पे पहुँचे, सबसे पहले हमने कहा बेडशीट हटा दें। और देख सकते हैं अभी तकिया में मतलब उसका कवर लगा हुआ है, पीलो कवर लगा हुआ है, वो नहीं धोए हैं। सबसे पहले हमने चादर धो दिया है। ऐसे बजाओ। अरे वाह बाबू कैसे बजा रही है, थोड़ा सा बता दो बजा के उसको। ऐसे बजाओ ऐसे। अरे वाह भाई वाह, बाबू मजा आ रहा है, बाबू मजा आ रहा है। कैसे बजता है बजा के दिखा दो, बजाओ। अरे अरे डांस कर रही है, उसमें पहिया लगा है ना, उसमें व्हील्स लगा हुआ है ना बेटा, यहाँ पे मैं गाइस इसलिए लेकर आई ना ताकि ये जो टीवी फ़ोन जो भी देखती है ना थोड़ा सा दिमाग वहाँ से इसका हटे और ये सब चीज़ में है। और मैं अभी बाबू का इतना ज़्यादा केयर करती हूँ, ख्याल रखती हूँ ना बाबू के लिए। मैंने बुक्स भी मतलब बुक नहीं था यार, वो कॉपी था, नोटबुक था, नोटबुक लाई थी, पेंसिल लाई थी, कलर लाई थी, ताकि बाबू का जो है थोड़ा सा, अब मैं इसको सोच रही हूँ कि प्ले स्कूल में इसका एडमिशन करा दूँ, प्ले क्लास में। और बच्चा है तो जाएगी थोड़ा बाहर खेलेगी। मैंने अभी सुना है कि अभी इसका एडमिशन नहीं होगा, छोटी है, 2.5 साल के बाद लेंगे, तो कोई नहीं, अभी से थोड़ा थोड़ा आदत पड़ेगा खेलने का। और मैं बजाऊं तो देखो, हाँ मजा आ रहा है। पापा कैसे बजा रहे बेटा, मजा आ रहा है, कैसे देख रही है। अरे बाबू ये क्या है, ये क्या है, ये क्या सोच रही है, देखो कैसे बजा रही, मजा आ रहा है इसको बजाने में। तो भैया इधर अपना मैच देख रहे हैं, पति देव मैच देख रहे हैं। लेकिन क्या करें फिर, क्या कर सकते, पापा 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 मम्मा वो नाचेगी, अब देखो पापा पापा पापा, मजा आ रहा है। तो आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसे कुछ लाख जो बहुत मतलब होते हैं ना, बहुत सारी माँ परेशान होते हैं कि मैं अपने बच्चे मतलब मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन देखता है, तो आप ऐसे खिलौने वगैरह ला के दे सकते हैं, बच्चे का थोड़ा ध्यान ना बढ़ जाता है। और बाबू को अभी मैं फ़ोन वगैरह बिल्कुल नहीं देती हूँ, यहाँ तक कि टीवी भी अब देखना बहुत कम कर दिए क्योंकि अभी इसका दिमाग और मूड सब इसमें है, खिलौने में। और नोटबुक में लाई हूँ, पेंसिल वगैरह लिखती है, यहाँ पे देखो पूरा एकदम गाइस चला के पूरा वो कर दिए, ये देखो। The next day. तो गाइस मैं आ गया हूँ ड्यूटी से आज बहुत जल्दी घर पे, क्योंकि कोमल ने फ़ोन किया कि थोड़ा जल्दी आ जाना, तो मैं घर पहुँच गया हूँ। गेट पहले से खोल रखा है क्योंकि फ़ोन कर दिया था ना, मैं नीचे पहुँचा हूँ गली में। तो बेटू हमारी खेल रही है, बैक कैमरा करके दिखाते हैं और पूछते हैं क्या बात है। वैसे उन्होंने फ़ोन किया कि तबीयत नहीं सही है, तो मैं फटाफट ड्यूटी से पता है रुका नहीं, बस हैंड ओवर दिया किसी को और चला आया मैं। बता रही है हमको आके कि पापा आ गए। तबीयत कैसा है आ? अब जो अच्छा थोड़ा सा बाबू दिखाते हैं। हेलो बेटा कैसे हो, बाबू कब सो के उठी है, अरे खिलौना खेल रही हो क्या, बाबू सो के उठी है, क्या हो गया बेटा, इधर देखो, जय कर लो भगवान जी को। अभी आ गए हैं शाम के, भैया बातें भी करना है, क्या हो गया मैडम जी आपको, हम तो कर नहीं सकते, आप ही कर सकते हो, पता है आपको। ये क्या इडली उडली बना रही है, तो तबीयत नहीं सही, तो आराम करना चाहिए तुम्हें ना, मैं आता बना देता यार। इसीलिए तो बस इडली बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं क्योंकि। अरे वही इडली क्यों बना रही हो,
इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये इजी होता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, इसलिए ये बना रहे हैं। भूख भी लगा था ना। क्या चाहिए बेटू आपको? ये ऐसा चीज़ है कि हमारी बेटू भी खा सकती है। राइस कल गई थी मार्केट में खरीद के लाई, 150 रुपये का, और इसी पे हम बनाएंगे। मैं चाहती तो आप पता है मैं 700 वाला भी ले सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो जरूरत का सामान है वही ले क्यों। 700 में क्या था? 700 वाले में था मोमोज बनाने वाला भी था, वो जिसमें छेद नहीं रहता है पूरा थाली में, और वो ढोकला बनाने वाला था, तो मैंने सोचा ढोकला तो हम थाली में भी बना लेते हैं। चलो आप आराम करो, जाओ मुझे बता दो कैसे कैसे क्या करना, मैं बना दूंगा। थोड़ा सा अच्छा बैटर चला दे पानी डाल के। राइस आज देखिए इतना दिन मैं कभी ड्यूटी से नहीं आया, मैं जाने में 5:30 या 6:15 बज रहे होंगे अभी। ठीक हो गया क्या बेटा? लाओ मैं बना दूं, तुम रेस्ट करो बेटा जी। बस चला दे पानी, धीमा कर दे। जब 150 में काम हो जा रहा है तो क्या फालतू का पैसा लगाएं। और वैसे भी पता है आपको, ढोकला तो हम थाली में भी बना लेते हैं, बैगुना में भी बना लेते हैं। जब भगवान अच्छा खासा पैसा देंगे तब ले लेंगे 700 भी, 700 वाला भी। लेकिन पता है आपको, मन मेरा वही था लेने का 700 वाला। बेटा ढकेल लिए ऐसे भी चल जाएगा। छोड़ो मैं बनाऊं, छोड़ो जाओ आराम करो आप। ये ढकेल आ गया ना तुम्हारे पतिदेव, एक बार डाल दे फिर आप सब संभाल लेंगे। अरे यार लाओ तुम, छोड़ो एक बार डाल दो बस, अलग हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालना, आधा अलग। देखिए गाइस मैं यहां इडली बना रहा हूं, आधा आधा कलछुल ज़्यादा फूल जाएगा। ऐसे डालना है कि नहीं तो बाहर बाहर जाएगा ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे डालने का, बाकी आप देखना। चलो चलो गाइस मैं थोड़ा इडली बना के आप लोग से मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये आ गए हैं थोड़ा सा मेरा हेल्प करने। मैंने इनको बोला कि आप ही रख दो, ये रख रहे हैं आराम से। अब इसको ढक दो इसे, हाँ उल्टा करके, हाँ उल्टा उल्टा थाली उल्टा करके, हाँ ऐसे। तो मैंने इडली रख दिया है, इनको बोला है आराम करो थोड़ा सा। क्या बेटा? इडली बोल रही है, देखो इडली ई ई कर रही है, इडली बोल रही है। इडली यार, अरे यार पौने 7 बज गए, मुझे लगा कि मैं शायद घर ही नहीं दिखाऊंगा। अरे बेटा जी आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फटाफट है फटाफट। मैंने बेडशीट ना बहुत खराब करती है यार, इससे तुम परेशान। बच्चे हैं यार, बच्चे यार हैं खराब करते हैं। कहाँ से ही लग गया बैटर का? अभी तुम थी ना किचन में, लग गया होगा बैटर वगैरह। अब ऊपर आने के लिए परेशान है। चलो कल तुम्हें डॉक्टर दिखा देंगे, ठीक है? बुखार वुखार नहीं है ना? अरे आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ देखिए बिटिया रानी हमारी खेल रही है पियानो से, बेलन चौके से। क्या कर रहे हो बेटू? बेटू क्या कर रहे हो? इतना ढेर सारा खिलौना आके देखे कि मम्मा ने रख दिया है, कटन कार्टून में क्या बोलते हैं गत्ते का बॉक्स है उसमें रख दिया है। और मैं बिटिया रानी देखिए रोटी बनाने का शौक है, हैं चकला भी बना रही हो, चकला एंड बेलन, क्योंकि मम्मा ने बड़े प्यार से खरीदा है अपने बेटू के लिए। ज़्यादातर इसीलिए खरीदे ताकि खिलौने में बिजी रहें, फ़ोन वगैरह आजकल बहुत हम लोग इग्नोर करते हैं कि जब फोन से कम देखें, लेकिन थोड़ा बहुत देख ही लेती है, क्या करें इतने बच्चे हैं तो थोड़ा आदत छोड़ने में टाइम लगता है। हेलो बेटू इधर देखो लल्ला, अरे वाह गोल गोल रोटी बना रही हो, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी पापा इडली बना रहे हैं तो आपको खिलाएंगे, आप खाओगी ना? खाओगी ना बेटा? नहीं खाओगी? कोई बात नहीं, नहीं खाना बस। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा इडली बनकर हो गया है। वाह इडली एकदम फुला फुला हुआ है, चेक करते हैं चाकू से हो गया है। ये पकड़ के निकल गए बाहर ही। हाँ ये पकड़ के निकालो ब्लैक वाला, ये वाला नीचे रखना, नीचे धुआं निकल रहा है भाप। अब इसको एक एक चाकू से निकालो, निकाल लेते हैं इसे। बस इसमें इसमें रखना है, इसमें मस्त हो गया यार एकदम। ये एकदम छोटा वाला जो सबसे थोड़ा सा बचा था बैटर वही है। ये खोलो ढक्कन, खोलो ढक्कन, क्या रहेंगे वाला
करा मैंने तो आपको मैंने कुकिंग भी सिखा दिया ना थोड़ा बहुत। अरे आप बहुत अच्छे हो, बस आपका तबीयत सही हो जाए जल्दी से, बस सही हो जाएगा। अच्छा हो गया यार, ये ऐसी चीज़ है कि कोई भी खा ले। अच्छा इसमें थोड़ा सा पानी पड़ गया क्या लग रहा है ना, वो नीचे इसमें अभी पानी अभी था ना, काले हैं ना। हाँ, इसमें गाइस पानी का पानी होगा ना अभी सब सब। नहीं ये नीचे वाला भी है ना, नीचे वाले थोड़ा सा पानी लग ही जाता है। उल्टा कितना अच्छा है, मस्त एकदम देख लो एकदम जबरदस्त दिखा रहे हैं। सही है, चलो इसे ढक देता हूँ, बाद में थोड़ा ठंडा हुए तब खाएंगे भाई। तो फाइनली गाइस हमारा इडली बन गया था और यहाँ देखिए सर्व भी हो गए खाने के लिए। हम तो चल थोड़ा सा खा लेते हैं। क्या गिराई हो मैडम जी, हमारे इधर बैठे हुए हैं, आप खा लो काफी। हम खाए, अब आप खा लो। और गाइस मैंने ना ये नारियल की चटनी में और तड़का नहीं लगाया, राई और लाल मिर्च का लगता है, तो हमने कहा बाबू को खिलाना इसे। क्या हो गया आपको, क्या हो गया बेटा? तबीयत नहीं सही रहता ना, बच्चे चिल्लाते हैं कुछ भी बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है। ये तो है, तो ये इडली बहुत टेस्टी बनाई इन्होंने, बैटर बनाया था इन्होंने पहले बनाया। ऑटो ऑटो रख के कह रही है बाय, ऑटो से जाती है ना तो बाय करती है, तो बाय कर दो बाय। बहुत क्यूट सी बच्ची है। तो बहुत लोगों ने कुमल के चैनल में बहुत गंदा गंदा कमेंट किया था, तो मत किया करो यार, तुम्हारी बेटी बहुत गंदी लगती है, गंदी दिखती है, ऐसे मत किया करो प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अच्छे नए नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, जरूर मिलेगा। और कोमल कल जाएंगे डॉक्टर पास दिखाएंगे, अभी तो इन्होंने थोड़ा आज मेरा जाने का इच्छा भी नहीं है, कल आज थोड़ा और देख लेते हैं जो आप अभी लाए हो मेडिकल से दवा, वो हम खा के देख लेते हैं, फिर नहीं सही होगा तब कल जाएंगे। ठीक है, बाय बाय कर दो, बाय कर दो फैमिली को, बाय कर दो, कह दो मुझे अच्छा अच्छा बोला करो सब लोग। गाड़ी चला रही है, ऑटो चला रही है, बाय कर दो बाबू सबको, बाय कर दो। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।